हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे बेहतरीन तरीके जिनकी मदद से आप किसी भी अनजान सुंदर लड़की को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। सुंदर लड़की को इम्प्रेस करने के बेहतरीन तरीके बताऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हो, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आजकल स्टूडेंट को पता नहीं क्या हो गया है, वो लड़की के पीछे पगलाया है। कहते हैं कि लव हो गया, दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। फॉर एग्जाम्पल, मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल है तो उसे मेल से होगा। तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसको छुपाने के लिए वो कहता है हमको लव हो गया है। एक लड़का को एक लड़की से कभी लव हो ही नहीं सकता, ये साइंस कहता है। लड़का और लड़की के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है। उसका शरीर अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा तो उसे जल्दी अट्रैक्शन होगा, थोड़ा कम स्मार्ट रहेगी तो अट्रैक्शन कम होगा। ये प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। किसी को कितना खराब लगेगा कि एक लड़का दूसरी लड़की से जाकर कहेगा कि हम तुमको देखकर अट्रैक्ट हो गए हैं। खराब लगेगा ना कहने में, तो उसको वो टेक्निकल नाम दे देता है कि तुमसे प्रेम हो गया है, तुम अच्छी लगती हो। अगर आपको अभी भी डाउट है तो बायोलॉजी पढ़ो, प्रेम शब्द कुछ होता ही नहीं है। दिस इज एन अट्रैक्शन। सच्चा प्यार तो माँ बाप करते हैं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बदसूरत हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप आपको उसी स्नेह से देखते हैं। माँ बाप में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, बहन और भाई में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है। उसके बीच में प्रेम है, अफेक्शन है। सपोज कोई लड़की अगर छोटे कपड़े में आ जाएगी तो आपको अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन उतने छोटे कपड़े में अगर आपका बहन आ जाएगी ना, उधर आप देखेंगे ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको आपके बहन से प्यार है, माँ से प्यार है, बाप से प्यार है। लेकिन एक दूसरी लड़की के लिए आपको अट्रैक्शन होता है, प्रेम नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है कि लड़का लड़की में प्रेम होता है। नेक्स्ट, लड़का लोग के अनसक्सेस होने के पीछे दो सबसे बड़ा हाथ है, एक मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय बिता देना, दूसरा लाल पीला हरा के चक्कर में, उसमें जाएगा बर्बाद होगा ही होगा। इतना इतना हथियार आजकल आ गए हैं, क्रीम पाउडर, ये सब हथियारे ना है, ये वो हथियार है जो आपके ऊपर प्रयोग होगा और आप उसके शिकार हो जाएंगे। इन हथियारों से बचिए, लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़िए। नेक्स्ट, जब लोग अट्रैक्शन में होते हैं तो वे खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं। अट्रैक्शन लोगों को पढ़ाई में कम दिलचस्पी दिखा सकता है और उनके अध्ययन के लिए जो समय दिया जाता है वह तेजी से घट सकता है। इसलिए अट्रैक्शन के लिए यह संभव है कि वह किसी व्यक्ति की शिक्षा को बर्बाद कर दे और उनके उज्ज्वल भविष्य को नष्ट कर दे। स्कूली छात्रों के बीच दोस्ती काफी स्वस्थ होती है। हालांकि अगर छात्र स्कूल में अट्रैक्शन संबंधों में शामिल होते हैं तो इसके कई परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि झगड़े के कारण तनाव या अकेलापन, जब वे किसी के साथ अपनी भावनाओं पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। अट्रैक्शन एक व्याकुलता हो सकती है। आप अपनी प्राथमिकता स्कूल और परिवार से ज्यादा एक रिश्ते पर केंद्रित करते हैं। यह वास्तव में आपके साथी पर निर्भर करता है। यदि आप एक स्थिर रिश्ते में हैं तो आपके पास समर्थन के लिए आपका साथी है। यदि आप अस्वस्थ रिश्ते में हैं तो चीजें गलत हो सकती हैं। अपने करियर पर ध्यान दें और एक ठोस नींव बनाएं जो आपको जीवन भर चलेगी। लोग आते हैं और चले जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।